आइए सर्वप्रथम करेंगे तीन बार पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र ओम का उच्चारण। आइए एक बार करेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सीधे लेट जाएं पीठ के बल। शवासन की स्थिति में मन सहज, पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप, हाथ कमर के बराबर में सीधे रहें, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, हाथों की उंगलियां अंगूठे बिल्कुल ढीले। पूरा शरीर सहज स्थिति में, शवासन की स्थिति में स्थिर हो जाए। एक बार अच्छी प्रकार से अपने शरीर को पुनः व्यवस्थित कर लीजिए। आंखें बंद रहें, आंखें नहीं खोलें। लंबे गहरे श्वास लीजिए। मन स्थिर, शरीर स्थिर, श्वासों के साथ हमारे शरीर का बहुत ही गहरा संबंध है। जब तक यह श्वास चल रहे हैं, हमारा शरीर कार्य कर रहा है। श्वासों के रुक जाने पर यह शरीर भी मृत हो जाता है। तो शवासन की स्थिति में निरंतर श्वासों का आना जाना हो रहा है। बाहर की कोई भी ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही है, केवल मेरे शब्द ही आपको सुनाई दे रहे हैं। आप पूरी तरह से शवासन की स्थिति में स्थिर हो चुके हैं। यदि चाहें तो एक बार पुनः अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए।
यह शरीर स्थिति का अंतिम अवसर है। इसके बाद आप अपने शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल सहज स्थिति में स्थिर रखें। शरीर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास बाहर छोड़िए, धीरे धीरे सहज भाव से। लंबे श्वासों के साथ शरीर रिलैक्सेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। शवासन की स्थिति में जैसे जैसे आप लंबे गहरे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। अब आपका शरीर एक विश्राम की स्थिति को प्राप्त हो चुका है, धीरे धीरे शिथिल हो रहा है पूरा शरीर, मन भी स्थिर है, शरीर भी स्थिर है, मन में सारे विचार मानो रुक गए। ये मन आते जाते विचारों के केंद्र है। आपके मन के सारे विचार रुक गए, शरीर शवासन में स्थिर हो चुका है। शवासन की स्थिति में अब आप योग निद्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसा मानो कि आपके शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है और आप उस प्रकाश में स्नान कर रहे हैं। यह पूरा शरीर पूरा देह उस दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो रहा है, ओतप्रोत हो रहा है। पूरे शरीर में उस अलौकिक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह निरंतर हो रहा है। पैरों से लेकर सर भाग तक, सर से लेकर पैरों तक निरंतर ऊर्जा बह रही है। अब अपने मन की शक्ति का प्रयोग करते हुए आप अपने शरीर के प्रत्येक भाग को देखना प्रारंभ कीजिए। पहले अपने पैरों के अंगूठे, दाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों को देखो, पैर के पंजे को देखो, फिर एड़ी को देखो, दाएं पैर की एड़ी को देखो और ढीला छोड़ दीजिए। पैर के पंजे में एड़ी में कोई भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। फिर एड़ी से ऊपर की ओर आओ, अपने पिंडली को देखो, दाएं पैर की पिंडली को आप देखिए मन की आंखों से। निरंतर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करो जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है।
आपने काप मसल्स को देख रहे हैं। दाएं पैर की काप मसल्स बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब दाएं घुटने को देखिए। मन की संकल्प शक्ति के द्वारा दाएं घुटने को भी ढीला छोड़ दीजिए। घुटने में पेन, या खिंचाव यदि महसूस हो रहा है तो घुटने के भाग पर विशेष उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप देखते हैं कि आपके घुटने में एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। घुटना पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। अब कोई पेन नहीं आपके घुटने में। ऊपर की ओर आए, अपने थाइज को देखो। जंघा की मांसपेशियां आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ है। कोई थकान, कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। अब अपने बाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों को भी ढीला छोड़ दीजिए। बाएं पैर के पंजे को ढीला छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से एड़ी को भी ढीला छोड़ दीजिए। और ध्यान रहे, सोना नहीं है, अवेयर रहना है। फिर अपने बाएं पैर के काप मसल्स को देखिए। काप भाग में ठीक प्रकार से सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। ऊपर की ओर आए, अपने बाएं घुटने को देखो। और यदि बाएं घुटने में पेन महसूस हो रहा है तो और ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने बाएं घुटने के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप देखते हैं जैसे ही आप अपने घुटने को नितांत ढीला छोड़ते हैं, घुटने की मांसपेशियां रिलैक्स होने लगती हैं। घुटने का पेन गायब हो जाता है। बस मैंने कहा कि एक संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। अब बाएं पैर की थाइज को देखिए। बाएं थाइज के भाग को आप देख रहे हैं ढीला छोड़ते हुए, बिल्कुल ढीला। इस प्रकार से आपने अपने दाएं और बाएं दोनों लेग्स को देखा और पाया कि दोनों लेग्स अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मजबूत है। अब धीरे धीरे अपने संकल्प शक्ति को शरीर के दूसरे भागों पर केंद्रित कीजिए। अपने पेट के भाग को देखिए। पेट के भाग में 32 फीट लंबी इंटेस्टाइन, परमपिता परमात्मा ने कितने व्यवस्थित तरीके से एक छोटे से भाग में स्थित की है। इंटेस्टाइन अपना कार्य प्रॉपर वे में कर रही है। आप देखिए, इंटेस्टाइन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो योग निद्रा में जो आपकी संकल्प शक्ति है
वह आपकी समस्त समस्याओं का निवारण कर रही है। इंटेस्टाइन के ऊपर पूरी शक्ति कार्य कर रही है, आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी हो रही है और अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही है। जो भी आप आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, उसका ठीक प्रकार से डाइजेशन हो रहा है आपके इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन स्वस्थ है। अब अपने दाएं किडनी को देखिए, दाएं किडनी, बाएं किडनी, राइट और लेफ्ट दोनों किडनियां फिल्ट्रेशन का कार्य ठीक प्रकार से कर रही है। परमात्मा की बनाई हुई एक अद्भुत कृति है। आप देख रहे हैं कि किडनी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल रही है, तो किडनी भी अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही है। आपकी किडनी भी स्वस्थ है। ऊपर की ओर आए, अपने लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लेन को आप देखिए। थोड़ा राइट साइड में लीवर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन लीवर के भाग पर आप देख रहे हैं कि लीवर भी अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहा है। लीवर एक छोटा सा पार्ट आपके शरीर में, जो पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब स्वस्थ है। पैनक्रियाज ठीक प्रकार से इंसुलिन का सिक्रेशन कर रही है। आपका डायबिटीज लेवल ठीक है, बैलेंस में है। स्प्लेन भी ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। थोड़ा बाएं साइड में स्प्लेन, पलिया भी स्वस्थ है। अब आप अपने हार्ट को देखिए, हार्ट, हृदय, हृदय से निरंतर संवेदनाएं उठ रही है। हृदय भाग में संवेदनाओं का निरंतर उत्पन्न होना, जो भाव के रूप में प्रकट हो जाती है। आप अपने हृदय की संवेदनाओं को आप महसूस कर रहे हैं, अपने हार्ट बीट को सुनने का प्रयास कीजिए। आपका हार्ट स्वस्थ है, निरोगी है। दूसरों के प्रति, दूसरों की भावनाओं के प्रति आप जागरूक हैं। अपने लंग्स को देखिए, दाया लंग्स, बाया लंग, दोनों स्वस्थ है, निरोगी है। ऑक्सीजन
आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड व विषैले गैसें आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। आप देख रहे हैं कि आपके लंग्स भी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। अब अपने गले के भाग को देखो, कंठ भाग, वह भी स्वस्थ है। स्वर तंत्र भी आपका ठीक है। अपने कंधों को देखो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन कंधों के ऊपर। कंधे मजबूत हैं, एल्बो से नीचे का भाग, कलाई, हाथ की हथेली, अंगूठे, उंगलियां, सब आप देख रहे हैं। सब कुछ स्वस्थ है। फिर वापिस आए ऊपर की ओर, अपने मुख इंद्रियों को देखो, मुंह, नाक, आंख, कान, देखते जाओ, ये सभी हेल्दी हैं। और अंत में अपने मस्तिष्क को देखो, मस्तिष्क का भाग जो पूरे शरीर को चला रहा है, वह भी स्वस्थ है, निरोगी है। अब कोई तनाव नहीं है, कोई भय नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, न रोग का डर, न जीवन के प्रति शोक, जीवन के प्रति उत्साह आपके भीतर निरंतर पूरे शरीर में, आपकी नस नस में उत्साह दौड़ रहा है। एक नई चेतना का प्रवाह पूरे शरीर में हो रहा है। आपने अभी देखा है पैरों से लेकर सर भाग तक अपने पूरे शरीर को आपने देखा और पाया कि आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब इन्हीं विचारों के साथ अपने जीवन को जीना है, सकारात्मक भाव के साथ, इसी दिव्य चेतना के साथ जो आपके शरीर में दौड़ रही है। धीरे धीरे अपने शरीर को चेतना में बनाए। पहले पैरों को चेतनता प्रदान करें, पैरों को हिलाएं, धीरे धीरे अंगूठे उंगलियों को हिलाएं, हाथों को हिलाइए, धीरे धीरे गर्दन का मूवमेंट कीजिए, दोनों मुट्ठी बंद कीजिए, श्वास के साथ लंबा गहरा श्वास लेते हुए खोल दीजिए, श्वास छोड़ते हुए। इसी क्रिया को 3 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए मुट्ठी बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, फिर से
बंद कीजिए, श्वास लेते हुए छोड़ दीजिए। अब आप चेतनामय स्थिति में आ चुके हैं। धीरे धीरे ओम का स्मरण करते हुए मन ही मन दोनों हथेलियों से आपस में घर्षण कीजिए, दोनों हथेलियों को रगड़िए, अपनी आंखों पर रखें और इस दिव्य ऊर्जा को अपनी आंखों के द्वारा पुनः अपने शरीर में ही प्रविष्ट कराइए। धीरे से आंखें खोलें, हाथों को हटा दीजिए और बैठ जाएं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ें, परमपिता परमात्मा से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सुख समृद्धि शांति हमारे जीवन में रहे, ऐसी कामना। ओम शांति शांति शांति।